आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस जेवियन शिमला की तरफ से रिलीज की गई नोटिफिकेशन की। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 153 पोस्ट फिलअप होने वाली है। आप इसके लिए अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरियों की जानकारी अपने व्हाट्सअप पर या टेलीग्राम पर लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन दोनों ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में अगर आप एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन एग्जामिनेशन के लिए स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, जहां पर आपको इन एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज की इस जॉब नोटिफिकेशन की। और हाँ, हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। टोटल 153 पोस्ट फिलअप होने वाली है। पहली पोस्ट यहाँ पर रहेगी फील्ड अभियंता सिविल की, इसके 75 पोस्ट फिलअप होने वाली है। इसके अलावा सेकंड पोस्ट यहाँ पर रहेगी मैकेनिकल फील्ड अभियंता की, इसके 10 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि आप बीटेक होने चाहिए सिविल में या मैकेनिकल में। इसके अलावा यहाँ पर फील्ड अभियंता विद्युत की वैकेंसी भी यहाँ पे निकली हुई है, तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए लाइक एस बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। पर्यावरण फील्ड अभियंता के 5 पद भरे जाने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो वो आपको जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगी। अभी यह नोटिफिकेशन अमर उजाला में आज पब्लिश हुई है। मानव संसाधन फील्ड अधिकारी के 8 पद भरे जाने वाले हैं। इसके लिए आप ग्रेजुएट और 2 साल का आपने MBA किया हुआ होना चाहिए। वित्त एवं लेखा में फील्ड अधिकारी के 10 पद भरे जाने वाले हैं। इसके लिए आप CA या इसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड अभियंता के 5 पद भरे जाने वाले हैं और इसके लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से BTech होने चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। राजभाषा फील्ड अधिकारी के 2 पद भरे जाने वाले हैं और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए अंग्रेजी या हिंदी का, इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है हिंदी में, ठीक है। जनसंपर्क फील्ड अधिकारी के 2 पद भरे जाने वाले हैं। इसके अलावा विधि के यहाँ पर 7 पद भरे जाने वाले हैं, विधि मतलब लॉ। इसके लिए आपके पास 3 वर्षीय LLB या 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम वाले LLB होना जरूरी है। भूविज्ञान फील्ड अधिकारी के 7 पद भरे जाने वाले हैं। सुरक्षा फील्ड अधिकारी के 4 पद यहाँ पर भरे जाने वाले हैं। वास्तुकला फील्ड अधिकारी के 3 पद भरे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल 153 पोस्ट फिलअप होने वाली। और अगर बात करें इन जॉब नोटिफिकेशन के लिए एज लिमिट की, तो आपकी एज मैक्सिमम 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो वैकेंसी दे के रखी है इनमें डिक्रीज या इंक्रीज भी देखा जा सकता है। ये विज्ञापन अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, मे बी आज शाम तक या कल सुबह तक अवेलेबल हो जाए। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 18 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक। और अगर बात करें कि आपकी ये जो जॉब है ये कहाँ पर होने वाली है, तो इन्होंने नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा है कि जो विकास योजनाएँ हैं इनकी, जो कि आपके SJVN अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ के लिए आप स्टाफ चाहिए। अगर हम बात करें इस रिक्रूटमेंट की, तो यह अस्थाई तथा अनुबंध के आधार पर 3 साल के लिए होने वाली है। स्टार्टिंग में 3 साल के लिए होगी। कार्य की आवश्यकता और अभ्यर्थी का अच्छा कार्य देखते हुए 2 साल और आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम आप 5 साल SJVN में काम कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा है कि यह नियुक्ति SJVN में किसी प्रकार के स्थायी रोजगार या स्थायी रोजगार के लिए किसी भी प्रकार की छूट का दावा करने का अधिकार नहीं देती है। यहाँ पर कहा है कि हालांकि चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यकाल नियुक्तियों के नियमानुसार के लिए SJVN की नीति के अनुरूप नियमितीकरण हेतु विचार किया जाएगा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट अभी नहीं है, एक्टिव हो जाएगा। और हमारे आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।